Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is Amna Zafa and you're watching Amna's Kitchen 2020. First of all, don't forget to subscribe and share and like and comment too. Anyways, so this is the recipe of these are the cookies especially for the diabetic patients. ठीक है, इसके लिए जो है हमने इस्तेमाल किया है, इसमें ये जो भुने हुए चने होते हैं जो लोगों को अमूमन सोया वगैरह में मिलते हैं, ये वो वाले जिनका छिलका उतरा हुआ है वो वाले चने मैंने पीस लिए थे. ठीक है, मेजरमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड ऑन कर दूँगी. इसके अंदर मैंने घी का इस्तेमाल किया है, मेरे पास मक्खन नहीं था इस वजह से. आप मक्खन में बनाएंगे तो और अच्छी बात है. दिस इज़ अ ब्राउन शुगर. इसके अंदर मैंने घी को पहले मेल्ट किया, उसके बाद उसको थोड़े सीजन रखे उसको सेट कर दिया. फिर मैं ब्राउन नहीं होने चाहिए इसलिए उसको मेल्ट किया. तो अगर आपको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर इट्स वेरी गुड, और अगर आप कटिंग में कोई मसला लग जाती है लेकिन ये होम बेस कर दिया. ठीक है, उसको अच्छी तरह से आपको घी बनाना है जो आपका ब्राउन शुगर है और जो आपको घी या मक्खन है वो अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए. उसके बाद आपने उसके अंदर जो है वॉरियर हैफ्टी आपको जो अगर उसको दो एक्स्ट्रा पाउडर भी यूज़ करेंगे ब्राउन शुगर का, लेकिन इफ यू डोंट हैव दैट तो अच्छी तरह से उसको उसके ग्रैन्यूल्स जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए. ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक अदद जो है वो अंडा इसके अंदर शामिल करना है और उसके बाद उसको दोबारा बीट कर लेना है ताकि ये सारा जो है वो मिक्सचर इनकॉर्पोरेट हो जाए. ठीक, उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया था ये जो चने मैंने पीस के रखे थे वो. उसके बाद मैंने उसको पहले जेंटली अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया था. द डो शुड बी सॉफ्ट, जो बिस्किट्स का डो होता है उसको बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए. साथ ही इसके मैंने मैदा भी रखा था. मेजरमेंट्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दूँगी. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपको उसको अच्छे हाथ से जो है वो नीट कर लेना है. घी है तो वो मेल्ट होगा हाथ लगने से, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. डो को जो है वो हमें थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखना है वंस इट्स गेट रेडी. ठीक, इसके बाद आपने क्या किया, आपने ये देखे मैदे के अंदर जो है वो मैंने 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर जो है वो छान के उसके साथ रखा हुआ था. ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, आपने इसकी सॉफ्ट डो जो है वो अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है और उसको तैयार करके आपने रख देना है फ्रीज़र में फॉर 15 to 20 मिनट्स. एंड इफ़ यू कीपिंग इन फ्रिज तो आप उसको जो है वो हाफ एन आवर और 45 मिनट्स के लिए रख सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. आप उसको फ्रिज में सुबह बना के डो को शाम में आपको कुकीज़ बेक करना है आप ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक, मैंने इसको 15 मिनट्स के बाद निकाला था और उसके बाद मैं इसको देख रही थी. इसको मैंने थोड़ा सा डस्ट करके मैदा इसको दोबारा से नीट करने नीट किया था, लेकिन इसकी नीटिंग के दौरान मुझे अंदाज़ा हुआ कि इट नीड्स मोर टाइम, थोड़ा सा सेट होने में इसको और टाइम लगेगा. ठीक है, मैंने इसको दोबारा 15 मिनट्स के लिए रखा था फ्रीज़र में और उसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के इस तरह से कुकीज़ जो है वो आपके पास जो भी बेकिंग ट्रे है उसके अंदर आप रख लें. मेरे पास पिज़्ज़ा पैन था, मैंने उसका इस्तेमाल किया है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास जो है वो बेकिंग ट्रे में कुकीज़ की ही ट्रे होनी चाहिए एंड ऑल दैट. आप स्टील की प्लेट के ऊपर, आप किसी पतीली के ढकने के ऊपर रख के भी बेक कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको इसको बेक करने के लिए रख देना है. मैंने पतीली में ही बेकिंग करती हूँ सारी की सारी, तो मैंने इसको पतीली में बेक किया था 20 to 25 मिनट्स में जो है वो मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर जाइए बेक हुए थे. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि कुकीज़ को कभी भी गर्म निकाल के आप वो ना करें, वो सॉफ्ट होती हैं. इट टेक्स टाइम, वो जब ठंडी हो जाती हैं तो वो खुद खस्ता हो जाती हैं. ठीक है, उसके बाद आप उसको एयर टाइट जार में रखें एंड यू कैन एन्जॉय योर कुकीज़. अगर आपको थोड़ा मीठा करना है तो आप शुगर का क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर. अल्लाह हाफिज़.